सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने प्रेमर प्रो से अपनी जो वीडियो है अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं और अपनी वीडियोस जो है कैसे रेंडर कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी वीडियोस जो एडिट कर पा रहे हैं प्रेमर प्रो पे मेरा पहला ट्यूटोरियल देख के, और आप लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि मैंने उसमें बताया नहीं था कि कैसे एक्सपोर्ट करें वीडियो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी यहाँ पे प्रेमियर प्रो खोल रखा है और अभी तक कुछ भी मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अभी क्लिप बनाया नहीं है। तो सिंपली मैं अभी यहाँ पे अपनी एक जो है वीडियो फाइल ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है। और अब स्टार्टिंग ऑफ हमें क्या करना है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने अपनी पूरी एडिट कर ली, आपने यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर ली, आपने उसको ब्लू प्रिंट दे दिए, यहाँ पे आपने उसको शेडोज दे दी और सम ऐसे कलर इफेक्ट दे दिए, उसके बाद आपने उसे क्रॉप कर दिया एंड सब कुछ आपने कर दिया जो आपको चाहिए था। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि इधर हाई डायनेमिक रेंज में भी जा सकते हैं, उसको भी क्लिक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अच्छी एक वीडियो देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइज, अब आपने जैसे अपनी पूरी वीडियो जो एडिट कर ली है और आपका सब कुछ हो गया है, तो अब आप सोच रहे हैं कैसे रेंडर करें। तो आप सिंपली क्या करिएगा, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आपकी जो वीडियो फाइल है वो जीरो से ही स्टार्ट हो, क्योंकि मैंने मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है कि मैं आगे की तरफ होता हूँ इधर और मुझे पता नहीं चलता कि वो जीरो की तरफ है और मैं उसे रेंडर कर देता हूँ और बाद में चलता है कि सामने के जो ब्लॉक्स है उसमें ब्लैक ब्लैक हो गया। तो गाइस, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इसकी आपकी जो फाइल है वो सिंपली जीरो से स्टार्ट हो रही हो। उसके बाद कंट्रोल ए दबाइए ताकि आपकी जो जितनी भी वीडियो फाइल है सारी सिलेक्ट हो जाए साथ में, और फिर कंट्रोल एम। मैं कंट्रोल ए दबाना ज़्यादा सही लगता है मेरे को, क्योंकि सारी फाइल जो हमारी सिलेक्ट हो जाती हैं और कभी कभार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि बीच की फाइल छूट गई थी जब मैंने रेंडर किया। सो गाइज, ये अच्छा है कि कंट्रोल ए दबा के आप कंट्रोल एम दबाइए तो आपको ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। लेकिन गाइज, अगर आप कंट्रोल एम नहीं दबाना, सिंपली आप जाइए फाइल के अंदर और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका एक्सपोर्ट की सेटिंग अंदर मीडिया, और मीडिया को जब क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से वही विंडो ओपन हो जाएगी। सो गाइज, अब हम एक रेंडर सेटिंग्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें फॉर्मेट जो है हमारे को बहुत सारे दे रखे हैं, H.264, हमारे जो YouTube के अंदर जो लाइक वाइडली यूज फॉर्मेट है वो है H.264, और ज़्यादातर वीडियोज जो है जितनी भी YouTube पे बनती है ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में रेंडर होती हैं। सो गाइज, नीचे की तरफ आ जाता है प्रीसेट, और प्रीसेट में आपको बहुत सारे लाइक अगर आपको वीडियो जो अपस्केल करनी है डाउन स्केल करनी है आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सबसे नीचे आ गया हूँ और वहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है YouTube 1080p HD, तो यहाँ पे मैं YouTube 1080p HD कर दूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट नेम भी दिख रहा है, मूवी चाहिए आप मूवी एम, तो मैं इधर कुछ नहीं छेड़ूंगा और सिंपली मैं नीचे आऊँगा इधर वीडियो पैनल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ को क्लिक करूँगा मैं, और साथ ही साथ यहाँ पे यूज़ एट मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी तो इसे भी मैं क्लिक कर दूंगा। और गाइज, मैं यहाँ पे और कुछ ज़्यादा छेड़ता नहीं क्योंकि सब कुछ सेट रहता है पहले से ही और सब कुछ ठीक रहता है। मैं यहाँ पे बस एक बार चेक कर लेता हूँ कि आउटपुट और सोर्स की सेटिंग जो है सेम हो 1920x1080, ताकि कोई अपस्केलिंग एंड डाउन स्केलिंग ना और पिक्सल लाइक कुछ पिक्सल में फर्क ना आए। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक्सपोर्ट क्लिक कर देता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी इंपोर्ट जो है स्टार्ट हो गई है, और गाइज जो हमारी वीडियो फाइल है वो सेव हो जाएगी अपने कंप्यूटर। सो गाइज, आप उसके बाद सिंपली अपनी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर डाल सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर दबा दें। एंड एनीवेज गाइज, थैंक्स सो मच वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, रेस्ट।